तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो आज जो है हम लोग इन एनवायरमेंट कोर्स हम लोग कर रहे हैं और इसका हमारा लेक्चर नंबर फोर्थ है। इसका नंबर आपका लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू एंड लेक्चर नंबर थ्री ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट है। एंड अगर किसी ने भी इनको कंप्लीट नहीं किया है तो इनकी रिकॉर्डिंग जो है आपके पास यूट्यूब के ऊपर है, यहाँ से जाकर के जो पूरी की पूरी सीरीज के ये लेक्चर्स है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून के, आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन जो है वो हो पाए। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। एंड आपको जो है जो सब्जेक्ट आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज जो है आप लोगों को यहाँ पे देखनी होती है। रेगुलरली यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे तो आपने डाउट्स वगैरह जो है आपको लिख करके रख लेने हैं। मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास, एनी डिस्टर्बिंग और फाउल कमेंट विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड यू विल बी ब्लॉक्ड फॉर द सेशन। अगर आप लोग क्लास के अंदर लेट आते हैं तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी, इस वजह से आपको पंक्चुअलिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। मीडियम ऑफ द टीचिंग जो है आपके पास बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में जो है हर तरीके से हमारी तरफ से एफर्ट्स किए जाएंगे कि आपको जो है टॉपिक समझ में आ जाए। आपका माइक जो है वो ऑफ ही रहेगा, आपका कैमरा जो है अब यहाँ पर आपके पास ऑन रहता है। एंड जब कभी भी आपसे बोला जाए किसी भी डिस्कशन के लिए तो आपको आपका माइक जो है वो ऑन कर लेना है। एंड जो भी बैकलॉग सब्जेक्ट्स हैं आपके वो जो है आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहाँ से आपको कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पर आप अभी लाइव क्लासेस के अंदर है, लाइव क्लासेस हमारी डेली गूगल मीट के अंदर के ऊपर होती है, दिन में 10 बजे के सॉरी रात में 10 बजे के लगभग आपके पास, जिसका लिंक आपके पास टेलीग्राम के चैनल एंड व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर जो आपके पास आ सकता है। एंड यही रिकॉर्डेड सेशंस वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में अंदर आपके पास हमारी वेबसाइट के ऊपर www.sunillakhawat.com के ऊपर जो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे वो इंडियन पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड मैनी मोर टू कम, और भी अभी बहुत सारे आपके पास यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आपके पास मेंबरशिप के प्लान्स होते हैं जिसमें मंथली मेंबरशिप आप 799 के ऊपर ले सकते हैं एंड क्वार्टरली एंड ईयरली मेंबरशिप जो है आप 699 एंड 2137 के ऊपर जो है वो ले सकते हैं, जिससे कि आपके ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स का आपको जो है वो एक्सेस आपको मिल जाता है एंड आप बहुत ही अच्छे से जो है इन सब्जेक्ट्स को वहाँ पे ईजिली कवर कर सकते हैं। तो ये आपके पास ब्लैंक साइड और ब्लैंक स्लाइड के जस्ट बाद में आपके पास आ जाता है इंडिया का मैप। और इस इंडिया में मैप के अंदर अगर मैं ये ए लिख दूं, ये बी लिख दूं, ये सी लिख दूं, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये अगर एच हो जाता है तो आप सभी लोग जो है मेरे को बताएंगे कि आपको जो है कहाँ पर मिला था वाल्मीकि नेशनल पार्क। यस, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है इनमें से हमें कहाँ मिलता है। यस एवरीवन प्लीज रिवाइज, थोड़ा सा जो है जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आपको मिल जाता है ई में। सानिया मिलानी रिवाइज करके नहीं आए आप। यस, बिहार में मिलता है ईशा भगत। यस करेक्ट, और आपने बिहार लिखा इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि बिहार कौन सा इनमें से। यस यस, इट्स नॉट एफ इट्स पी, सॉरी इट्स नॉट पी इट्स एफ, ये जो है आपके पास एफ है, एफ। यस, बिहार के अंदर जो है आपके पास वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा बताओ अगर कोई ऐसा नेशनल पार्क जो कि बिल्कुल ही हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड के ऊपर है जहाँ से जो है इंडस एंड मखान रिवर आपके पास फ्लो कर रही है तो क्या नाम होगा उस नेशनल पार्क का और कहाँ पर मिल रहा है वो आपको। यस थानिया, वेरी गुड। यस वेरी गुड, हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपको मिल जाता है लद्दाख के अंदर। गुड वन गुड वन गुड वन, कहाँ मिलेगा आपको गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार जो है वो कहाँ मिलता है, गोविंद पशु विहार। यस वेयर विल यू फाइंड गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार। तानिया मिलानी आप ऐसे गलतियां कैसे कर रहे हैं आज, रिवाइज करके नहीं आए आप। यस, उत्तराखंड में जो है आपको मिल जाता है गोविंद पशु विहार। एंड वहीं से अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बर्ड सेंचुरी हम लोगों ने पढ़ी थी सुल्तानपुर। यस, कहाँ पर है सुल्तानपुर, एक बर्ड सेंचुरी हमने पढ़ी थी सुल्तानपुर। तो कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो रिवाइज करिए भाई, रिकॉर्डिंग आपके पास है, लेक्चर्स आपके पास है, नोट्स आपके पास है, रिवाइज करिए है ना। इट्स गुड कि आपको कंफ्यूजन जो है यही हो रहा है, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता तो साल खराब हो जाता। यस, कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है उनको देखो, रिवाइज करो, पढ़ो और ज्यादा मेहनत जो है आपको करिए। इंदर लिखा काम, ये इंदर किला जो है कहाँ मिल जाते हैं, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ मिल जाएगा आपको, इंदर किला नेशनल पार्क।
ये सी में जो है आपको इंद्र किला नेशनल पार्क जो है वो मिल जाता है। तो रणथंबोर कहाँ मिलेगा? रणथंबोर, सरिस्का, केला देवी, मुकुंद्रा हिल, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सब कहाँ मिल जाएंगे? अरे राजस्थान के अंदर है, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। यस, अगर बंगाल टाइगर को देखना है तो बंगाल टाइगर को देखने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे हम? अगर बंगाल टाइगर को देखना है तो बंगाल टाइगर को देखने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे? जैसे एक तो राजस्थान में आपको मिल जाएगा, वाल्मीकि में आपको मिल जाता है। इंडियन राइनो कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ था? राइनो जो है कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ था? कहाँ पर है आपको एक टाइगर रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा है, और उसके बाद कटनिया घाट एंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यस, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? नहीं, करीना भंडारी जी नहीं, दुधवा। यस, दुधवा कहाँ पर है? दुधवा, दुधवा कहाँ पर है? यस, यूपी। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। यस, गुड 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 वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए सही, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ मिल रहा है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यस, वेर इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क? उत्तराखंड में है। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी नेशनल पार्क। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी नेशनल पार्क। यस, गुड 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 गुड। ऑल दीज आर इन यूके। वेरी गुड करीना भंडारी, वेरी गुड। तो अगर मुझे साइबेरियन इबिक्स को देखना है तो कहाँ जाना चाहिए? साइबेरियन इबिक्स को अगर देखना है तो कहाँ जाना चाहिए? उसके लिए भी उत्तराखंड में ही जाएंगे। इस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी गुड। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? वेर इज गंगोत्री नेशनल पार्क? ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ पर आपको मिल रहा है रामगढ़ विजधरी? रामगढ़ विजधरी, रामगढ़ विजधरी नेशनल पार्क। चलिए गुड, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है, एंड आई होप जो है आपको सारी चीज़ें जो है आपको समझ में भी आई होगी, है ना? तो हम लोगों ने ओवरऑल इतना सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है ना, ये सारा पोर्शन जो है हमने नेशनल पार्क का कवर जो है वो कर लिया है। एंड अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी इसके अंदर जो है हम लोग इन नेशनल पार्क को जो है वो कवर करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमारा ये पोर्शन हो जाएगा उसके बाद जो हम लोग नीचे के नेशनल पार्क को जो है वो कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर देख रखा होगा कि हम लोग हमेशा एक सीक्वेंस में चलते हैं ना, तो उसी सीक्वेंस में ही चलना है हमें, और उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो है हम लोग चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? तो अभी हमने क्या कवर कर लिया है? हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो है आपका होगा ये फर्स्ट पोर्शन था, ये सेकेंड पोर्शन है, उसके बाद इधर हम लोग थर्ड पोर्शन बनाएंगे, और ये जो है रिमेनिंग आपके पास फोर्थ पोर्शन जो है वो बन जाता है, ठीक है? तो याद करने के हर एक जगह के तरीके हैं, अलग अलग चीज़ों को किस तरीके से हम लोग तैयार कर रहे वो करते हैं। यस, तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि मेघालय कौन सा है, मणिपुर कौन सा है, त्रिपुरा कौन सा है, नागालैंड कौन सा है, आसाम किसको बोलते हैं? यस, ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को? यस, चलिए गुड वन। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के लिखवा दिए थे शायद, पढ़ा दिया था क्या अरुणाचल प्रदेश आपको? अरुणाचल प्रदेश करा दिया था क्या? यस, चलिए अरुणाचल प्रदेश जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है मेघालय। नेक्स्ट इज मेघालय। यस, अरुणाचल प्रदेश हमारा थर्ड लेक्चर के अंदर हो गया था। यहाँ पर हम लोगों ने एक तो पक्के देखा था, एक उसके बाद हमने देखा था माउलिंग। माउलिंग के बाद आपके पास एक आता है नामदफा, एंड नामदफा के बाद आपके पास आता है कमलंग। तो चार टाइगर रिजर्व, सॉरी, चार जो है हम लोगों ने नेशनल पार्क यहाँ पे देखे थे, जिनमें से तीन जो है आपके पास यहाँ पे टाइगर रिजर्व जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड एक और आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि आपको जो माउलिंग है, माउलिंग में से तीन रिवर्स को नाम जो है आपको जरूर ध्यान रखना है। आप देखोगे कि माउलिंग जो है माउलिंग के ही पीछे नाम में इंग आता है, तो
और वो जो रिवर्स के नाम हम लोगों ने देखे थे, जिसमें सियोम रिवर थी, सियांग थी, सिरिंग थी, तो उसमें भी जो है पीछे एक इंग का साउंड जो है आपके पास आता है, तो वहां से भी जो है आप लोग इसको इजीली जो है वो याद रख सकते हैं। इस तरीके से भी जो है इन सब्जेक्ट को आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लोगों के पास हेडिंग जो है वो बन जाता है मेघालय। तो इस मेघालय को जो है वो कवर करना स्टार्ट करते हैं। मेघालय को अगर हम लोग मैप के अंदर देखें तो जो मेघ जैसा दिखता है उसको हम लोग मेघालय कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखोगे तो बिल्कुल एक क्लाउडेड शेप जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखता है। तो ज्योग्राफी में जब मैं मेघालय स्टेट याद करवाता हूँ तो मैं यही दिखाता हूँ कि मेघ जैसा दिखने वाला आपको मेघालय जो है आपके पास यहाँ पे होता ही है। वेरी गुड वाइब, जो इससे पता चलता है कि आपने बिल्कुल ज्योग्राफी जो है वो अच्छे से पढ़ रखी है। तो मेघालय आपको यहाँ पे मिल जाता है। मेघालय को अगर हम लोग देखें तो चलो मैप के ऊपर ही कर लेते हैं। यस, मेघालय में जो है आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो आपको मिलती है नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क, और एक आपके पास मिलता है बालपक्रम नेशनल पार्क। बालपक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क एंड बालपक्रम नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। यस, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये मेघालय है तो यहाँ पर आपको एक तो मिल जाता है नोकरेक और एक जो है आपको मिल जाएगा बालपक्रम। वेरी सिंपल, नहीं याद होता एक बार फिर से देख लो। ये आपके पास इस तरीके से जो है वो मेघालय है यहाँ पे। यहाँ पर अगर मेघालय है तो यहाँ पर आपको एक तो मिल जाएगा N4 नॉकरेक और एक जो है आपको मिल जाएगा बालपक्रम। क्लियर, नॉकरेक एंड बालपक्रम दो नेशनल पार्क आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एक नॉकरेक एंड एक बालपक्रम। यस, नौकरेक एंड बालपक्रम। ठीक है, हो गई याद। नौकरेक मिलेगा एक तो, और एक जो है आपको मिलेगा यहाँ पे बालपक्रम, नौकरेक एंड बालपक्रम। यस, गुड वन। अब देखिए नौकरेक जो है आपके पास यहाँ पे, इस नौकरेक में एक तो आपको रेड पांडा मिलता है, ठीक है, तो रेड पांडा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ तो है यहीं पे आपको एशियन एलिफेंट भी देखने को मिलता है। तो रेड पांडा मिलेगा, एशियन एलिफेंट मिल जाएगा। अब जिस किसी ने ज्योग्राफी का कोर्स देख रखा है तो ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हिल्स भी पढ़े हैं, है ना? याद है किसी को कि नहीं याद है? हमने यहाँ पर जो है वो हिल्स भी पढ़े हैं। कौन कौन से हिल्स पढ़े हैं हमने आसाम में? यस, कौन कौन से हिल्स पढ़े हमने? यस, गारो खा गारी खासो जयंती नहीं है, गारो खासी एंड जयंतिया, ये जो है हिल्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। तो इसमें से आप अगर इसकी लोकेशन देखते हो तो गारो हिल्स के ना बिल्कुल पास आता है। तो अब कितना आसान है इसको याद रखना, है ना, कि हाँ हमने ऑब्वियसली गारो हिल्स यहाँ पे पढ़ रखा है। यहाँ पर अगर मेरे पास नेशनल पार्क देखने को मिलता है तो वही हिल जो है आपके पास यहाँ पे होगा भी। तो यहीं पर जो है आपको एक तो गारो हिल्स भी जो है आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो गारो हिल्स है यहाँ पे, और जब हिल्स होते हैं ना आपके पास तो हिल्स जब आपके पास होते हैं तो उनकी एक पीक भी होती है। तो इसी नेशनल पार्क में इन हिल्स की जो है आपको एक पीक भी मिलती है, और उस पीक का नाम आपके पास होता है तुर्रा पीक। ठीक है, तो गारो हिल्स है एंड तुर्रा पीक जो है आपके पास यहाँ पे है इसी नेशनल पार्क से। उसके बाद जो है आप लोगों के पास एक रिवर भी गुजरती है, और रिवर का नाम होता है सिमसंग रिवर। क्या हो जाएगा? सिमसंग रिवर। अब देखो माउलिंग की रिवर थी ना, उसमें भी पीछे इंग का साउंड था, पर यहाँ पे अंग का साउंड है ना, UNG है, सिमसंग। सैमसंग याद रख लेना, सैमसंग का फोन आप याद रख लेना, है ना, कि नौकरेक में से जो है वो सैमसंग का फोन। सैमसंग वालों ने नोट सीरीज लाई थी ना फोन की, नोट सीरीज लाई थी ना, नोट 1, नोट 2, नोट 3। तो ऐसे सैमसंग से नोट से सैमसंग, सिमसंग से नौकरेक, इस तरीके से आप चाहें तो थोड़ा सा रिलेट करके जो है वो याद रख सकते हैं। बट सिमसंग रिवर, क्योंकि माउलिंग को याद करते ना तब लोग वो इंग 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 वाई वो ले लेते हैं कि हाँ अच्छा इंग वाली रिवर्स माउलिंग में है ना, याद करने के लिए एसोसिएट करके याद रख ले। अब क्या होता है वो इंग वाली तो वहां तो लग जाएगी, वो सही है, मगर कई सारे लोग सैमसंग का आंसर भी माउलिंग लगा देते हैं। ठीक है, ये ओवर द टाइम स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वो सिमसंग का आंसर भी जो है वो माउलिंग लगा देते हैं। तो ऐसी गलती जो है, यस, ऐसी गलती जो है आप लोगों को यहाँ पे नहीं करनी है। ध्यान रखना है कि जो सिमसंग रिवर है नौकरेक से निकलती हुई, ठीक है, नौकरेक से जो है आपके पास निकलती है। एंड ऑब्वियसली अगर ये नौकरेक से निकल रही है तो आगे कहाँ जा रही होगी बताओ, आगे कहाँ जाएगी? सिमसंग रिवर इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ से निकलती हुई आगे आपके पास कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। और किसी को ज्योग्राफी के वो लेक्चर याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि जब बांग्लादेश में एक रिवर जाती है या किसी भी दूसरी रिवर, कोई रिवर दूसरे देश से इंडिया में आती है तो वहीं पे पास में खड़ा एक आदमी उनका वेट कर रहा होता है कि हाय रे मेरी लाडली आ गई क्या। यस,
किसने ज्योग्राफी कर रखा है, और वहीं पे जो है उसका नाम जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है, और यस वहीं पे जो है इसका नाम जो है आपके पास यहाँ पे, हाँ बांग्लादेश जमुना वगैरह वो सब। तो ये भी, ये रिवर भी जो है आपके पास नौकरी से निकल के जो है वो बांग्लादेश की तरफ जो है आपके पास यहाँ पे चली जाती है, और इसी रिवर का वहां पर नाम जो है आपके पास हो जाता है सोमेश्वरी रिवर। ठीक है, तो सिमसंग रिवर है ये नौकरी से निकल के आपके पास बांग्लादेश में फ्लो करती है, एंड बांग्लादेश में जो है इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेश्वरी रिवर। तो बांग्लादेश में जो है आपके पास इसका नाम हो जाता है सोमेश्वरी रिवर। क्लियर सभी को? यस yes? चलिए, तो देखो नौकरी से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल सा है ना, याद करने के लिए बिल्कुल इस तरीके से घबराना है ही नहीं। यहाँ पर आपके पास है मेघालय है, मेघालय में एक तो आपको मिल गया नौकरी, एंड नौकरी के बाद एक आपको मिल गया बालपक्रम। अब नौकरी में सबसे पहले देखो आपको कौन कौन सी स्पीसीज मिल गई, तो आपको यहाँ से रेड पांडा मिल जाता है, रेड पांडा के साथ साथ आपको एशियन एलिफेंट भी जो है वो मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से माउंटेन्स की बात करें तो आपके पास गारो माउंटेन्स हैं, गारो हिल्स हैं, गारो हिल्स का ही आपके पास जो वो पीक आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा तुर्रा पीक। ठीक है, एंड अगर मैं रिवर का नाम याद रखूँ इससे एसोसिएटेड कौन सी है, तो आपको सिमसंग रिवर का नाम ध्यान रखना है, एंड सिमसंग रिवर यहाँ से फ्लो कहाँ पे करती है, तो बांग्लादेश में ये फ्लो करेगी, एंड बांग्लादेश में जब जाते हैं तो वहां पर इसका दूसरा नाम रख दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सोमेश्वरी रिवर। यस, ज्योग्राफी में इस चीज को हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग से पढ़ा था कि कोई वेट करता है कि हाय रे मेरी लाडली आ गई तू, आज से तेरा नाम है सोमेश्वरी। यस और नो? ज्योग्राफी किस किसने कर रखी है, उनको पता होगा ये। यस वहां पढ़ते थे ना हम लोग। हाँ तो क्या था, कैमरा जब ऑफ होता है तो पीछे से नाटक करना बहुत आसान होता है, जब कैमरा दिखता है तो थोड़ा सा इस तरीके से बोलना इट्स ओके बट। तो ये आपके पास हो जाती है सोमेश्वरी रिवर, सिमसंग, सोमेश्वरी एक ही चीज है। ऐसे नहीं कि कल को आप ये समझ लो कि सिमसंग अलग है और सोमेश्वरी जो है वो अलग है ना, जो सिमसंग है वही सोमेश्वरी है। यस क्लियर, जो सिमसंग है वही आपके पास यहाँ पे सोमेश्वरी है। अच्छा यहाँ पर जो ना साइट्रस फ्रूट्स काफी होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स जो है वो आपके पास काफी होते हैं, तो इंडियन वाइल्ड ऑरेंज होता है यहाँ पे, है ना, यहीं पे जो है आपके पास इंडियन वाइल्ड ऑरेंज होता है। वाइल्ड ऑरेंज का क्या मतलब है, उग जाएगा वैसे, है ना, ज्यादा कुछ देख रेखने की जरूरत नहीं है, एक आपने उगाया 10 अपने आप उग गए। तो इंडियन वाइल्ड ऑरेंज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपके पास साइट्रस इंडिका होता है, और इसी वजह से यहाँ पे इतना मतलब मिलता है ये, कि इसके लिए आपके पास नेशनल साइट्रस जीन सेंचुरी जो है वो यहीं पे बनाई गई है, यहीं पर आपको मिल जाती है नेशनल साइट्रस जीन सेंचुरी, है ना। तो जिस किसी को भी ये साइट्रस फ्रूट्स के बारे में रिसर्च वगैरह और करनी होती है वो सब लोग जो है वो फिर यहीं पे जाते हैं, तो नेशनल साइट्रस जीन सेंचुरी जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाती है। और फिर यहाँ पे जाते हैं लोग मजे करते हुए जाते हैं, फिर ऐसा मन करता है ना कई बार कि थोड़ा बहुत ट्रैकिंग व्रैकिंग कर ली जाए, तो लोग यहाँ पे जाकर के फिर सोचते हैं कि चलो आसपास में गारो हिल्स है, तुर्रा पीक भी है, तो क्यों ना ट्रैकिंग कर ली जाए। जब ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा ट्रैकिंग के ऊपर आपका अट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है, एक तो पीक, तो पीक कौन सी मिल गई, तुर्रा पीक, और जब ट्रैकिंग करते हैं वहीं पे अगर कोई वाटरफॉल मिल जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। यस और नो? तो यहाँ पर जो है आपको एक वाटरफॉल भी मिल जाता है, और उसका नाम बहुत अच्छा है, उसका नाम होता है रॉन्ग बैंग डेयर वाटरफॉल, रंग बैंग डेयर वाटरफॉल, रंग बैंग डेयर वाटरफॉल, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, रंग बैंग डेयर वाटरफॉल। यस yes. तो नौकरी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, रेड पांडा मिल जाएगा, हाथी की सफारी आप वहां पे कर सकते हो क्योंकि एशियन एलिफेंट भी आपको वहां पे मिल जाता है, फिर ट्रैकिंग करनी हो तो गारो हिल्स के ऊपर चले जाना, तुर्रा पीक वाली साइड जो है वो ले लेना, एंड उधर ही जाओगे तो एक वाटरफॉल भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर नजारा आपको मिलेगा। यस और नो? मैंने जाके नहीं देखा, आप लोग जाओ तो फोटोज वगैरह खींच लेना। रॉन्ग बैंग डेयर वाटरफॉल मिल जाता है। यस, रिवर राफ्टिंग करनी हो तो रिवर कौन सी मिल जाएगी आपको वहां पे, रिवर कौन सी मिल जाएगी, सिमसंग रिवर। मगर आगे ज्यादा मत चले जाना, बांग्लादेश चले जाओगे, और बांग्लादेश चले गए तो वही रिवर का नाम चेंज होकर के सोमेश्वरी रिवर जो है आपके पास हो जाता है। क्लियर? यस, तो ये तो आपके पास होता है नौकरेक। नौकरेक के जस्ट बाद देखते हैं हम लोग बाल पकरम। यस, बाल पकरम। तो बाल पकरम ने बोला कि भैया अगर सोमेश्वरी रिवर अगर नौकरेक से जाएगी तो एक रिवर तो मेरे पास भी होनी चाहिए, और नाम उसका कुछ सेम सा ही होना चाहिए, तो बोला सेम सा नाम क्या रखेंगे, तो
बोला ठीक है, यहाँ से जो है वो गुणेश्वरी डाल दो, तो यहाँ से जो है आपके पास गुणेश्वरी रिवर जो है वो फ्लो करती है, ठीक है, गुणेश्वरी रिवर हो जाएगी। ये भी आपके पास गारो हिल्स का ही पार्ट है ना, गारो हिल्स यहाँ पर तक भी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिलती है एशियन गोल्डन कैट। यस, यहीं पर जो है आपको एशियन गोल्डन कैट भी जो है वो देखने को मिल जाती है। क्लियर? यस, सारी इंफॉर्मेशन याद हो गई या कुछ रह गई अभी भी? आपको याद हो जाएगी ना इजीली, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। ये हो गया आपके पास इंडिया, इंडिया में ये है मेघालय, मेघालय में यहाँ पे आपको मिल गया नौकरेक, नौकरेक, और यहाँ पे आपको मिल गया बालपक्रम, ठीक है। नौकरेक से रिवर कौन सी है? सोमेश्वरी, याद रख लो। बालपक्रम से कौन सी हो जाएगी? यस, गुणेश्वरी, याद रख लो। दोनों ही गारो हिल्स का पार्ट है। गारो हिल्स की जो पीक आपके पास तुर्रा पीक आपको मिल रही है, वो तुर्रा पीक जो है आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एलिफेंट मिल जाएगा, एंड क्या बताया था आपको, ये रेड पांडा, रेड पांडा जो है यहाँ मिल जाएगा, और एक वाटरफॉल, रॉन्ग बैंग डेंग वाटरफॉल, रॉन्ग बैंग डेंग वाटरफॉल जो है वो आपको जो है यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको गणेश्वरी रिवर मिल जाएगी, कैट मिल जाती है आपको, एशियन गोल्डन कैट मिल जाती है, एंड गारो हिल्स का पार्ट आपके पास है ही है। आई गेस वेरी सिंपल, इससे ज्यादा आप याद करने में ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। डन सभी को? यस, चलिए गुड। तो ये आपके पास हो जाता है मेघालय, गुड वन। मेघालय से जब आगे चलते हैं तो आपके पास आता है नागालैंड, और नागालैंड के लिए मैं पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे बताओ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनमें से ना नागालैंड है कौन सा? यस, नागालैंड कौन सा मिलता है आपको? एक आपको नागालैंड मिल जाएगा, यस, उसके बाद एक आपको मणिपुर मिल जाएगा, मिजोरम भी मिल जाएगा, यस, और क्या क्या मिल जाते हैं यहाँ पे? त्रिपुरा और उड़ीसा, उड़ीसा भी मिल जाता है क्या इधर ही? राजस्थान भी इधर ही मिल जाता है? नहीं ना, मैथ्स तो याद है ना। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ए बी और सी के जल्दी से नाम लिखिए, ए को कौन है, बी कौन है और सी कौन है, और साथ में ये भी बता दो जल्दी से मुझे कि डी कौन है। ए बी सी एंड डी, जल्दी से नाम लिखिए इन सभी के, ए बी एंड सी, डी कौन कौन से हैं? यस, डी त्रिपुरा, यस मणिपुर, मिजोरम, गुड वन, गुड वन, गुड वन, बी मणिपुर, सी मिजोरम, वेरी गुड, गुड 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 गुड, याद होने चाहिए आपको, इसी तरीके से याद होने चाहिए। चलिए गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, ओके। तो नेक्स्ट जो है आपके पास हो जाता है नागालैंड, एंड नागालैंड में अगर हम लोग देखें तो मैप के ऊपर ही चल लेते हैं, नागालैंड में जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है इटांकी नेशनल पार्क। क्या मिल जाएगा आपको? इटांकी नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इटांकी नेशनल पार्क। इटांकी नेशनल पार्क में आपको लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? एक तो यहाँ पर आपको हुलाक गिबन देखने को मिल जाता है, हुलाक गिबन, फिर एक गोल्डन लंगूर, एंड एक मिल जाता है आपको हॉर्नबिल। हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर एंड हॉर्नबिल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें से हॉर्नबिल जो है आपके पास एक बर्ड होता है, ठीक है, हॉर्नबिल जो है ये बेसिकली आपके पास एक बर्ड है, ठीक है, हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर एंड हॉर्नबिल, क्लियर रह जाएंगे आप? हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर एंड हॉर्नबिल, वेरी सिंपल। नागालैंड में एक ही है आपके पास, इटांकी नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है इटांकी नेशनल पार्क। तो आपको क्या क्या मिल जाएंगे? हुलॉक गिबन देखने को मिल जाएगा, गोल्डन लंगूर देखने को मिल जाएगा, एंड हॉर्नबिल देखने को जो है वो आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। तो गोल्डन लंगूर जो है ना वो अलग चीज होती है ना, गोल्डन लंगूर जो है वो अलग चीज है, और गोल्डन कैट जो है वो अलग है। गोल्डन लंगूर नागालैंड में मिल रहा है, और उसी के पास में थोड़ा सा दूर जाओगे तो गोल्डन कैट मिल रही है, वो कहाँ मिल रही है आपको? यस, मेघालय में, बालपक्रम में, याद रह जाएगी ना, चीजें भूलना नहीं है बिल्कुल भी।
तो अभी तक यहाँ पे हमने कितने कितने नेशनल पार्क पढ़ लिए? यस, मेघालय में हमने देखा नौकरेक, फिर हमने इधर देखा बालपक्रम, एंड यहाँ पर आपने देख लिया इटांगी। स्पीसीज वाइज अगर हम लोग देखें, नौकरेक में कौन कौन मिल रहा था आपको? नौकरेक में कौन कौन मिल रहा था? एलिफेंट एंड रेड पांडा। बालपक्रम में आपको कौन मिल गई? गोल्डन कैट, एशियन गोल्डन कैट। एंड इटांकी में आपको कौन कौन मिल गया? पुलॉक गिबन। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है गोल्डन लंगूर, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉर्नबिल। क्लियर? तो कौन कह रहा था ना कि सर स्पीसीज के मैप कैसे बनाएं? इस तरीके से स्पीसीज की मैपिंग भी आप कर सकते हैं। यस, इसी तरीके से आपकी स्पीसीज की मैपिंग भी जो है वो आपके पास इजीली हो सकती है। डन। चलिए, तो मैप्स के ऊपर पढ़ते हो तो कितना आसान है सारी की सारी चीजों को पढ़ना, है ना? मैप के ऊपर पढ़ते हैं तो कितना आसान है। अगर ये ए है, ये बी है, और ये अगर सी है, तो आप लोगों में से कौन मेरे को जो है ये चीज बता सकता है कि अगर मेरे को रंग डेंग डेंग वाटरफॉल जाना हो तो कहाँ पे मिलेगा? यस, रंग डेंग डेयर वाटरफॉल, सोमेश्वरी रिवर, सिमसंग रिवर, जो कि दोनों का नाम एक ही है ना? वहीं पे एलिफेंट भी देखने को मिल जाएगा। यस, वेर कैन आई फाइंड पुलॉक गिबन गोल्डन लंगूर एंड हॉर्नबिल? पुलॉक गिबन गोल्डन लंगूर एंड हॉर्नबिल। यस, गोनेश्वरी रिवर, गोनेश्वरी रिवर गोल्डन कैट, गारो हिल्स, गोनेश्वरी रिवर गोल्डन कैट, गारो हिल्स बी। क्लियर? चलिए गुड। तो इस तरीके से जो है वो आपको चीजें जो है वो इजीली याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मणिपुर, नेक्स्ट विल बी मणिपुर। तो मणिपुर में जो है आप लोगों को दो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है सिरोही नेशनल पार्क, और एक आपके पास मिलता है केबुल लामझाओ। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क एंड मणिपुर नेशनल पार्क। ये जो सिरोही नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क जो है यहाँ पर लिलीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना? तो लिख लेना इसके लिए, इट इज फेमस फॉर लिली, फेमस फॉर लिली। तो लिली के लिए जो है आपके पास जो है वो काफी फेमस होता है। अब ये जो केबुल लामझाओ पार्क है, इसको हम लोग फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी जो है हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को शंघाई मिल जाता है। यस, शंघाई जो है आपके पास मिल जाता है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और इसी को जो है हम लोग, आप लोग अगर जानते हैं तो डांसिंग डियर भी जो है वो बोला जाता है। शंघाई को ही जो है हम लोग डांसिंग डियर भी जो है हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके पास जैसे डीकम्पोज प्लांट के डीकम्पोज मटेरियल वगैरह जो है वो, डीकम्पोज मटेरियल जो है वो नीचे गिरते हैं वगैरह, तो वो फ्लोट करते रहते हैं, है ना? फ्लोट करते रहते हैं, इसीलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी जो है वो बोला जाता है। एंड वो जो फ्लोट करते रहते हैं, जो मटेरियल आपके पास गिरता है, वो जो फ्लोट करता रहता है, इस प्लांट मटेरियल को हम लोग जो है वो फुम्बिस बोलते हैं। फुम्बिस तो आपके पास ना एग्जाम में आ सकता है कि फुम्बिस जो है आप लोग किसको बोलते हो, तो क्या लिखेंगे आप? फ्लोटिंग डीकम्पोज मटेरियल, फ्लोटिंग डीकम्पोज प्लांट मटेरियल होता ही है, तो इसको जो है वो फुम्बिस बोला जाता है यहाँ पे। और यहीं पर जो है आप लोगों ने एक फेमस लेक का नाम सुन रखा होगा ना, लोकतक लेक। लोकतक लेक, वो लोकतक लेक भी जो है आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। क्लियर? क्या क्या चीजें आपके पास हो जाएगी? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपके पास, ये शंघाई मिलता है, शंघाई सारे दिन नाचता रहता है, इस वजह से इसको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है फ्लोटिंग डीकम्पोज प्लांट मटेरियल मिलते हैं, एंड इस वो फ्लोट करते रहते हैं, है ना? और जो फ्लोटिंग डीकम्पोज प्लांट मटेरियल है, इसी को फुम्बिस बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं फुम्बिस। बोल दीजिए फिर से, केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। एक तो हमारे राजस्थान में सिटी है सिरोही, तो सिरोही जैसा ही सिरोही नेशनल पार्क है, ठीक है? सिरोही, सिरोही जो कि लिलीज के लिए फेमस है, जो कि लिलीज के लिए जो है आपके पास फेमस है, ठीक है? और एक है केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है? प्लांट मटेरियल है, डीकम्पोज रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इस वजह से फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। और ये जो मटेरियल होता है
उस मटेरियल को हम बोलते हैं फुम्दिस। तो फुम्दिस की डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फुम्दिस, है ना? इट इज डीकम्पोज प्लांट मटेरियल दैट फ्लोट्स देयर। सो इम्पॉर्टेंट है, क्लियर? तो कितनी चीजें याद हो गई आपके पास, बहुत ही सिंपल है। देखो ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, उसके बाद ये एच हो गया, ये फिर से ए हो गया, ये बी हो गया, ये जो है आपके पास यहाँ पे सी हो गया, एंड ये अगर डी हो गया, तो कहाँ पर आपको जो है मिल रहा है पक्के पक्के नेशनल पार्क? यस, वेर आर यू फाइंडिंग पक्के नेशनल पार्क? पक्के नेशनल पार्क भूल तो नहीं गए, पक्के नेशनल पार्क कहाँ मिला था? यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। ए मैन, चलो गुड वन। नंदा देवी कहाँ मिल जाता है? नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी, नंदा देवी जो है आपको कहाँ मिल जाता है? नंदा देवी। सिम्बाल बारा, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा, यस, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा। वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, यस, गुड वन। वेयर कैन यू फाइंड इटांगी, इटांगी नेशनल पार्क, इटांगी। सर मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। रामा गुर्जर, आपने 3 लेक्चर या तो पिछले देखे नहीं होंगे, है ना? आपने पिछले 3 लेक्चर जो है वो देख नहीं रखे हैं, इस वजह से समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स पड़े हैं, है ना? यूट्यूब के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग पूरी यूट्यूब के ऊपर जारी है। यूट्यूब से आप जाए, वहां से तीनों लेक्चर्स देखो, एक एक घंटे के लेक्चर है ना। एनवायरमेंट का लेक्चर हम 1 ही घंटे का कर रहे हैं, तो 1 ही घंटे के लेक्चर्स हैं, इनको देखो। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 4th लेक्चर है, तो आराम से बैठ के देखोगे ना, तो रात को जो 10 बजे क्लास होगी उससे पहले जो आपको सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है? चलिए उन लेक्चर्स को देखो। यस, तो कहाँ मिल रहा है? सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही, 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 सिरोही नेशनल पार्क, विच इज फेमस फॉर लीज। यस, बी में जो है आपको सिरोही नेशनल पार्क जो है वो मिल जाएगा। हर्षा मासन रिवर कहाँ से फ्लो कर देती? हर्षा मासन रिवर कौन सा नेशनल पार्क था, कहाँ पे बड़ा था, जिससे हर्षा मासन रिवर भी फ्लो कर देती? बताओ, नहीं याद है ना, भूल रहे हो चीजें, डिटेलिंग भूल रहे हैं आप लोग, डिटेलिंग भूल रहे हैं आप लोग, डिटेलिंग भूलोगे तो काम नहीं चलेगा, डिटेलिंग भूल रहे हैं आप लोग। वाल्मीकि नेशनल पार्क, और कौन कौन सी रिवर्स थी, और कौन कौन सी रिवर्स थी? हर्षा मासन और नहीं, चलिए ठीक है, गंडक, पंदाई रिवर, वेरी गुड, पंदाई रिवर, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए तो इस तरीके से ना चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। बट ये तो नहीं भूल गए ना कि नौकरेक और बालपक्रम कहाँ मिल रहा था? नौकरेक एंड बालपक्रम, नौकरेक एंड बालपक्रम कहाँ मिला है? नौकरेक एंड बालपक्रम। ईशा भगत, आप बैठ गए हो, आंसर नहीं कर रहे हो। यस, नौकरेक एंड बालपक्रम। देखो अगर यहाँ पे क्लास में चीज याद नहीं हुई ना, तो मान के चलना फिर याद होगी भी नहीं। अगर सिर्फ आपको है कि सर आप तो हमें बस नोट्स लिखवा दो, तो मैं 1 घंटे में सारे नेशनल पार्क करवा दूंगा, है ना? याद भी यही करके जाना है, तो याद जो है आपको होना चाहिए कि नौकरेक और बालपक्रम जो है आपके पास कहाँ मिल रहा था। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ ये रंगबंग डेंग वाटरफॉल कहाँ मिल रहा है? रंगबंग डेंग वाटरफॉल, रंगबंग डेंग वाटरफॉल कहाँ पर? हमने एक नेशनल पार्क पढ़ा था जिसमें से सियोम रिवर निकलती है, सियोम रिवर, सियोम रिवर, सियोम रिवर, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। नेशनल, नेशनल साइट्रस जीन सेंचुरी, नेशनल साइट्रस जीन सेंचुरी, नेशनल साइट्रस जीन सेंचुरी, मेघालय, गुड वन। ऐसे ही देखो ना, जब हम पढ़ नेशनल पार्क रहे, मगर देखो हमने मैपिंग कितनी सारी चीजों की कर ली है ना? जीन सेंचुरी के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि वो कहाँ पर लग रखी है ना? तो सारी मल्टीपल चीजें जो है आपके पास एक साथ ही जो है वो कवर हो जाती है। बट वो सब तो जो है वो ठीक है, बट हमने ना एक नेशनल पार्क जो है हम लोगों ने पढ़ा था,
जहां से गंगा एंड सोंग रिवर जो है फ्लो करती है एक साथ, गंगा भी फ्लो करती है और सोंग रिवर भी जो है वो फ्लो करती है, गंगा भी फ्लो करती है और सोंग रिवर भी फ्लो करती है, ठीक। चीला और मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अरे तान्या मिलानी, आपको तो बिल्कुल भी चीजें याद नहीं है। तान्या मिलानी प्लीज, तीनों के तीनों लेक्चर्स आज आपके रिवाइज चाहिए मुझे। यस तान्या मिलानी एक बार माइक ऑन करेंगे ये। चलो माइक ऑन रहने दो यार, छोड़ो भी। राजा जी नेशनल पार्क है, स्कूल वन कहाँ पर है, कहाँ पर होता है आपके पास राजा जी नेशनल पार्क? यस गुड वन। सिर्फ देहरादून में है क्या राजा जी नेशनल पार्क? से राजा जी नेशनल पार्क तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या क्या है? देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर पावड़ी हो रही है, हमारी पावड़ी हो रही है। तो पावड़ी, वो पावड़ी डिस्ट्रिक्ट सबको याद नहीं होगा, हरिद्वार और देहरादून तो क्या है, फेमस जगह है, पूरे इंडिया में सब लोग याद कर लेंगे, मगर पावड़ी डिस्ट्रिक्ट याद नहीं होगा। तो पावड़ी को याद कैसे रखना है कि हरिद्वार गए, देहरादून गए और वहां पे पहाड़ों में हमारी क्या हो रही है, पहाड़ी हो रही है। यस तो पहाड़ी से याद रखना। यस तो वहां पर जो है पहाड़ी हो रही है आपकी। अच्छा ये हमने एक लाहौल स्पीति रीजन देख रखा ना, लाहौल स्पीति रीजन कौन से नेशनल पार्क से एसोसिएटेड देखा था? लाहौल स्पीति रीजन, सिंध वैली। अरे नेशनल पार्क का नाम बताओ। यस नेशनल पार्क सिंध वैली नेशनल पार्क, गुड वन गुड वन गुड वन। तान्या मिलानी गुड वन, सही आंसर गुड वन। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? चलिए, क्योंकि शायद मेरा कैमरा रुक गया है, कैमरा रुक गया ना मेरा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। नहीं, ये स्क्रीन रुक गई है, जस्ट गिव मी सेकेंड, कुछ इश्यू है। जस्ट गिव मी सेकेंड ना, मैं रीज्वाइन करूंगा यहाँ से वापस।
जैसे एम आई ऑडिबल आवाज आ रही है ना, दिख रहा हूँ ना, सब बढ़िया? चलिए ठीक है। हाँ जी चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सारी नेशनल पार्क वगैरह पढ़ रहे थे, आई होप आप लोगों ने जो है वो रिवाइज कर लिया होगा। तो हम लोग ने यहाँ पर जो है वो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, हमने यहाँ पे देख लिया था कि नौकरेक है, फिर इधर हमने देख लिया था कि बालपक्रम है, फिर नागालैंड में हम चलते हैं, तो नागालैंड में जो है आपके पास आ जाता है इटांकी नेशनल पार्क। इटांकी नेशनल पार्क में जो है आप लोगों को हिलॉक गिबन है, गोल्डन लंगूर है, और इसी के साथ साथ हॉर्नबिल भी जो है वो देखने को मिलता है। एंड फिर जो है हम लोग आते हैं मणिपुर में, और मणिपुर के अंदर जो है आप लोगों को दो नेशनल पार्क याद रखना है, एक तो आपके पास होता है सिरोही नेशनल पार्क और एक आपके पास होता है केबुल लामजाओ। मणिपुर से ही जस्ट हम लोग नीचे आते हैं तो आपके पास आता है मिजोरम, एंड नेक्स्ट हेडिंग जो है आपके पास हो जाएगी मिजोरम। तो प्लीज राइट डाउन, नेक्स्ट इज मिजोरम। हाँ यस, नेक्स्ट हेडिंग इज मिजोरम, मिजोरम नेशनल पार्क, नॉट मिजोरम नेशनल पार्क, सॉरी, मिजोरम स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपके पास हो जाएगी मिजोरम। चलिए लिख लिया सभी ने। मिजोरम में अगर हम लोग देखें तो आपको तीन नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलते हैं। एक का नाम आपके पास होता है मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क। एक आपके पास है फांगपुई, फांगपुई नेशनल पार्क, और एक आपके पास होता है दमपा। ठीक है, मुरलेन, फांगपुई एंड दम्पा। ये जो दम्पा आपके पास होता है, ये दम्पा आपके पास एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, दम्पा जो आपके पास है वो आपके पास एक टाइगर रिजर्व होता है। तो तीन बहुत ही सिंपल से हैं, मुरलेन नेशनल पार्क, फांगपुई एंड दम्पा टाइगर रिजर्व। मुरलेन, फांगपुई एंड दम्पा टाइगर रिजर्व, मुरलेन है, फांगपुई है एंड दम्पा टाइगर रिजर्व है। क्लियर, मुरलेन, फांगपुई एंड दम्पा टाइगर रिजर्व। यस, एक बार फिर से देख लो, बहुत सिंपल सा है, ऊपर नीचे और इधर। मुरलेन, फांगपुई एंड दम्पा, दम्पा जो है आपके पास टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, मुरलेन है ये, और यहाँ पर जो ऊपर है उसका नाम क्या था? माउलिंग है ये माउलिंग है, ये मुरलेन है ना? ये मुरले, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी में एक रूल पढ़ा ना, एक्सेल में डाल के शॉर्ट कर दो, MOMU, यस और नो? ऊपर कौन सा आएगा? MO, नीचे कौन सा आएगा? MU। तो MU किस में है? MU कहाँ देखने को मिल जाएगा? मिजोरम के अंदर। और जो माउलिंग है MO वाला, वो कहाँ देखने को मिल जाएगा? यस, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, आधे लोग ना मुरलेन और माउलिंग में कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि मुरलेन कहाँ पे जाएगा और माउलिंग जो है वो कहाँ जाएगा। देखो मैं साथ के साथ आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो नॉर्मली एक स्टूडेंट आगे जाकर के कंफ्यूजन में चला जाता है वो, तो आपको मैं पहले ही टोक दे रहा हूँ कि ये चीजें आगे जाकर के प्रॉब्लम डालती है। तो पहले से ही ध्यान रखो कि मुरलेन कहाँ पर है और माउलिंग कहाँ पर है। क्लियर, तो मुरलेन कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, करेक्ट? यस और नो? नो, मुरलेन कहाँ होगा? मुरलेन होगा एम फॉर मिजोरम में, मुरलेन होगा आपके पास मिजोरम में। और माउलिंग कहाँ पर होगा? माउलिंग जो है आपके पास चला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यस, गुड वन। ये जो आपके पास वहां चला जाता है, ये जो मुरलेन नेशनल पार्क है ना, यहाँ से एक रिवर निकलती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, आप ना चाहो तो अपने लव्ड वंस का ना नाम भी इनके ऊपर रख सकते हो, तुई पुई रिवर। बड़ा प्यार से किसी ने नाम रखा है इसका, तुई पुई रिवर, तुई पुई रिवर। यस, तो मुरलेन से जो है आपके पास तुई पुई रिवर जो है वो फ्लो करती है, याद रह जाएगा, मुरलेन से तुई पुई रिवर। और माउलिंग से भी बहुत सारी रिवर्स थी, माउलिंग से कौन कौन सी रिवर थी? सियोम, सियांग, सिरिंग। यस, याद आ रहे कि नहीं आ रहे? ऐसे मैं अगर जैसे ही नेशनल पार्क बोलता हूँ
आपको नाम याद आने चाहिए, हेमिश नेशनल पार्क, कौन कौन सी रिवर्स थी, इंडस एंड मरखान, मंसूरदार रिवर पड़ी थी, वो किससे एसोसिएटेड थी, मंसूरदार, रिनय रिवर किससे एसोसिएटेड थी, ये याद होनी चाहिए सारी चीजें, ये सब याद होना चाहिए, है ना। इतना आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक वीक के तीन तीन लेक्चर्स ले रहे हैं, बस आराम आराम से बिल्कुल स्लो पेस में, बट अगर याद नहीं की ना ये चीजें तो आगे जाके दिक्कत देगी है। तो के साथ चीजें याद भी होनी चाहिए और बिल्कुल डिटेलिंग में याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ नेशनल पार्क की मैपिंग पढ़ ली आपको नेशनल पार्क याद है, डिटेल्स याद होनी चाहिए, कि आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि नौकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, आपसे अगर कोई पूछ ले कि रोंगबैंग डेर वाटरफॉल कहाँ पर है तो आप बिल्कुल बता पाओ कि रोंगबैंग डेर वाटरफॉल कहाँ पर है, यस कहाँ पर देखने को मिलता है, नौकरेक, क्लियर सभी को, यस। तो फांगपुई है, मुरलेन है एंड दंपा टाइगर रिजर्व जो है आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाती है। अब देखिए इसमें से जो आपके पास फांगपुई है, फांगपुई में आपको एक मिस क्यूम करके एक बर्ड मिलता है, बड़ा ही इतराता हुआ बर्ड है ना, बोलता है मेरे को मेरे नाम से नहीं, मिस ह्यूम बोला करो, है ना। तो मिस ह्यूम करके जो है आपको एक बर्ड देखने को मिल जाता है, बर्ड है ध्यान रखना है, मिस ह्यूम बर्ड जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, यस। और एक आपको यहाँ पे मिलता है ब्लिथ ट्राइगोपन, ब्लिथ ट्राइगोपन ये भी आपके पास एक बर्ड है। तो मिस ह्यूम एंड ब्लिथ ट्राइगोपन ये दो बर्ड्स भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं पांगपुई में। अच्छा कंफ्यूजन में नहीं होना है कि तुईपुई रिवर फांगपुई से निकलती है क्या, नहीं, तुईपुई किससे निकल रही है, मुरलेन नेशनल पार्क से, क्लियर। क्योंकि फांगपुई तुईपुई ये बहुत कंफ्यूजन है जो आगे जाकर के होते हैं, मुरलेन माउलिंग बहुत कंफ्यूजन है, दंपा पक्के बहुत कंफ्यूजन है, एक जैसे ही दिखते हैं ना नाम, क्या ये तो आसपास में ही होंगे, एसोसिएटेड होंगे, है ना, ध्यान रखना है। अच्छा तुर्रा पीक जो है वो कहाँ पे, हिमालय में मिलती है क्या, इस तुर्रा पीक अ पार्ट ऑफ हिमालय, देन जिन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है वही इसका आंसर पढ़ पाए, तो गारो हिल्स हिमालय का पार्ट है कि नहीं है, गारो हिल्स हिमालय का पार्ट है कि नहीं है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ध्यान रखना है, ये ज्योग्राफी की बहुत बारीकियां ही है, यस ज्योग्राफी की बहुत बारीकियां ही है, यस इनको जो है आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। तो अभी तक देखिए कितने सारे नेशनल पार्क हो गए और इनकी डिटेलिंग आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नौकरेक तो आपको सिम्पसन, सोमेश्वरी, रेड पांडा, एलिफेंट, है ना, तुर्रा पीक, गारो हिल्स और क्या पढ़ा है सर रुचिड, यस रैंगबंग डेर वेटरफॉल, ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ बालपक्रम, बालपक्रम तो बालपक्रम से गारो हिल से आपके पास और गोनेश्वरी रिवर है आपके पास और एशियन गोल्डन कैट है आपके पास, ये याद होना चाहिए। फिर नागालैंड में इटांकी, हुलॉक गिबन आपको याद आना चाहिए, गोल्डन लंगूर आपको याद आना चाहिए, हॉर्नबिल आपको याद आना चाहिए। फिर यहाँ से सिरोही एंड केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ को जैसे ही देखो ना तो ये एक ऐसा ना पार्टी वाला नाम नहीं है केबुल लामझाओ, कि जिसके ऊपर ना ऐसे आजकल वैसे भी गाने ऐसे ही आ रहे हैं ना, जमाला जमेली टाइप के गाने, ऐसे गाने जिनके वर्ड्स हमें समझ ही नहीं आते हैं, तो वैसे ही केबुल लामझाओ वाला भी है क्या, केबुल लामझाओ भी वो जमाला जमेली ऐसे कुछ डांस वाला ही होगा, तो वहां पर कोई डियर होगा, हो सकता है वो भी डांस करता हो उसी गाने के ऊपर, है ना। तो डांसिंग डियर शंघाई जो है आपको यहाँ से जो है वो देखने को मिल जाएगा, यस फोमदेश फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये सारी चीजें ऐसे एसोसिएट करके रखोगे तभी याद होगी, अदरवाइज याद नहीं होगी, आपको एसोसिएट करनी पड़ेगी चीजें किसी ना किसी चीज के साथ। तो केबुल लामझाओ जो है आपको यहाँ पे याद आना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप मिजोरम में आते हैं तो मिजोरम में आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपके पास है मुरलेन, मुरलेन के पास आपके पास है फांगपुई और उसके बाद जो है इधर आपको मिल जाता है दंपा, एंड इन सभी में से टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे,
टाइगर रिजर्व याद होना अपने आप में बिल्कुल जरूरी है। इन सभी में से मैंने टाइगर रिजर्व कौन सा बताया आपको? दंपा टाइगर रिजर्व। तो दंपा जो है आपके पास हो जाता है टाइगर रिजर्व यहाँ पे। और ऊपर ही यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, यहाँ पर हमने चार और पढ़ रखे हैं। यहाँ पर आपके पास हो जाता है पक्के, फिर माउलिंग, फिर नामदफा, यस, और एक आपके पास हो जाता है कमलंग। और इनमें से पक्के आपके पास टाइगर रिजर्व है, नामदफा आपके पास टाइगर रिजर्व है, एंड कमलंग जो है आपके पास टाइगर रिजर्व होता है। यस, तो आसाम को छोड़ करके पूरे की मैपिंग कर ली कि नहीं कर ली? आसाम को छोड़ के पूरे की मैपिंग हो गई। अब आसाम ना, जितना अपन ने इन सबको मैप करने में टाइम लिया है, उतने के उतने की मैपिंग में टाइम लगता है आसाम की। क्योंकि आसाम अपने आप में बहुत, मतलब वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ पे कितनी सारी स्पीसीज मिलती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो आसाम जो है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो आपके पास नेशनल पार्क जो है वो, सॉरी नेशनल पार्क क्या, नेशनल पार्क के लिए जो है आपके पास एक एरिया जो है वो बन जाता है। तो अभी तक हमने कितना सारा पढ़ लिया है, ये सारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो है आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि इतने नेशनल पार्क तो जो है आपके इधर की तरफ जो है वो हो ही गए। उसके बाद यस, अगर आप लोग इधर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा मिल गया था? वाल्मीकि। यस, यहाँ पर आपको क्या मिल गया था? सलीम अली। इधर किश्तवाड़, यहाँ पे एमएस, इधर वापस दाचिंगम। यस सर नो। इधर डेजर्ट नेशनल पार्क, यहीं पर ही जो है आपके पास है रामगढ़, विषधरी, उसके बाद मुकुंद्रा हिल्स, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको और कौन कौन से मिल जाते हैं? यस, सरिस्का मिल जाता है आपको, केवला देवी मिल जाएगा, रणथंबोर जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके पास उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपको गोविंद पशु विहार मिल जाता है, फिर गंगोत्री, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, उसके बाद नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, एंड राजा जी नेशनल पार्क। यस, याद हो रही है ना चीजें? पूरी याद होनी चाहिए आपको ये चीजें इस तरीके से कि हाँ सब कुछ याद हो रहा है। कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश में चला जाऊँ तो सबसे पहले इंदर किला नेशनल पार्क मिलता है, फिर खीर गंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, पिन वैली आ जाएगा, ग्रेट हिमालयन आ जाएगा, और उसके नीचे सिम्बाल बारा जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। एंड जो आपके पास एक रीजन यहाँ पे हरियाणा का जो आपके पास बच गया है, वहां पर आपके पास काला सुल्तान है। काला सुल्तान जानते हो कि नहीं जानते हो? कालेश्वर एंड सुल्तानपुर, तो काला सुल्तान हरियाणा में, काला सुल्तान, कालेश्वर एंड सुल्तानपुर। यस, तो ओवरऑल इंडिया का ऊपर ऊपर का पोर्शन तो आसाम को अगर छोड़ दो तो कवर हो चुका है। अगर हम अभी के लिए आसाम को छोड़ दें तो कवर हो चुका है। सिक्किम में, सिक्किम का नेशनल पार्क तो सभी को याद ही है, सिक्किम का नेशनल पार्क तो जानते हो ना कि नहीं जानते? यस, ईशा भगत, ये आपने क्या लिखा है? देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा एक बार, थोड़ा सही से शायद इसमें समझ में नहीं आया आपका डाउट। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने कितना कितना कवर कर लिया है, इसमें जो है हमारे पास आसाम जो है एक आपके पास यहाँ पे बच जाता है। तो आसाम के नेशनल पार्क के नाम जो है हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर इनकी डिटेलिंग जो है हम लोग बाद में कर लेंगे। यस सभी को, यस, या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है आपके पास बन जाती है आसाम, आसाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज आसाम। तो आसाम में अगर हम लोग जाते हैं, देखो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएगी। अभी मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, अभी मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, अभी मैं बायोस्फीयर रिजर्व की भी वापस मैपिंग कराऊंगा, फिर मैं टाइगर रिजर्व की अलग से मैपिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं एलिफेंट कॉरिडोर की अलग से मैपिंग कराऊंगा। तो ये मैपिंग बहुत लंबी है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपके पास सारे नाम आ ही जाएंगे। अभी क्या है, मैं एक ही बार में सारे नाम आपको बता दूंगा ना, तो वो एक स्टेट ही इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको लगेगा इंडिया तो कब याद होगा, है ना? तो लेट मी गो विद माई फ्लो प्लीज। ठीक है, कोई भी नाम छूटेगा नहीं आपका।
कोई भी नाम और इवन एक माइन्यूट सी डिटेल भी आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है, बट एक टाइम के साथ ही हम याद करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं आसाम में। आसाम में देखो आपके पास होता है, एक तो होता है इधर की तरफ आप देखते हो तो आपको मिलता है रायमोना, इस यहाँ से देखते हैं ना ब्लैंक पेज के ऊपर देखते हैं आसाम को, अगर आप देखते हो तो वो कुछ आपको इस तरीके से वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक तो आर फॉर रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है मानस, फिर औरांग, ठीक है, मानस नेशनल पार्क है, औरांग नेशनल पार्क है, उसके बाद आपके पास एक आता है नामेरी, याद हो जाएगा, रायमोना मानस औरांग एंड नामेरी नेशनल पार्क, उसके बाद आपके पास आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, और दो जो है आपके पास और बचते हैं, एक तो आपके पास आता है डिब्रू साइकोवा और इंग आपके पास आता है दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई। तो रायमोना नेशनल पार्क है, मानस है, औरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइकोवा एंड दिहिंग पटकाई, ये सारे नेशनल पार्क हैं। याद मैं करा दूंगा, एक बार जस्ट नाम से फेमिलियर हो जाओ, नाम आपको अगर फेमिलियर हो गए तो याद मैं करवा दूंगा, है ना। रायमोना नेशनल पार्क है, मानस, औरांग, मेरे साथ साथ बोलिए, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, बोलिए मेरे साथ, है ना, मेरे साथ साथ सब लोग बोलते हुए लिखने चाहिए मुझे। रायमोना नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, फिर औरांग नेशनल पार्क है, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइकोबा एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, क्लियर, याद हो जाएंगे कि नहीं होंगे। यस, अब एक बार सब लोग ही बोलते हुए दिखने चाहिए मुझे, बोलिए, सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क, फिर मानस, फिर औरांग, उसके बाद काजीरंगा, फिर दिहिंग पटकाई, या पहले और कोई आता था, डिब्रू साइकोबा और उसके बाद दिहिंग पटकाई, क्लियर, बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, रायमोना मानस औरांग नामेरी काजीरंगा दिहिंग सॉरी डिब्रू साइकोबा एंड दिहिंग पटकाई। और अगर ऐसे याद नहीं रहते ना तो बहुत सिंपल है, इनको ऐसे याद रख लो, ठीक आर मॉन्क डी वन डी टू, आर मॉन्क डी वन डी टू, और इनमें से जो ये मॉन्क है ना आपका, ये मॉन्क आपके टाइगर रिजर्व है, आर फॉर रायमोना, एम फॉर मानस, ओ फॉर ओरांग, एन फॉर नामेरी, के फॉर काजीरंगा, डी वन फॉर डिब्रू साइकोबा एंड डी टू फॉर दिहिंग पटकाई, हो जाएंगे याद। और इनमें से जो मॉन्क आपका है, वो मॉन्क आपका जो है वो टाइगर रिजर्व है, यानी मानस, औरांग, नामेरी और काजीरंगा, ये आपके तीनों चारों जो है वो टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, क्लियर। तो अब इनकी डिटेलिंग जो है आपके पास यस, इनकी डिटेलिंग जो है आपके पास बचती है, उस डिटेलिंग को जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी रुकिएगा प्लीज, जाना नहीं है आप लोगों को, रिकॉर्डिंग को जो है मैं बंद कर लेता हूँ।